वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस, क्या हाल चाल। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है उधमपुर से, और आज के दिन हमारी गाड़ी जो है घर पे खड़ी है, और आज का दिन हमको बिल्कुल फ्री था। तो जैसे कि आप मेरा बैकग्राउंड देख ही रहे हो, इस टाइम खुली हवाओं में हम घूम रहे हैं। तो आपको बता दूँ, उधमपुर में ना एक बहुत ही अच्छी जगह है, टूरिस्ट जगह है, इस जगह का नाम है छतरी। तो जितने भी उधमपुर के लोग हैं इनको तो पता है भाई छतरी है कहीं पर। यहाँ की हवा जो है गाइज बहुत ठंडी हवा, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है ये गर्म इलाका है, और गर्म इलाके में जब ठंडी हवा आपको मिलती है तो फिर माहौल कुछ और हो जाता है। साथ में हमारा आसिफ भाई भी है, ठीक है। यहाँ आपको सामने रोड दिख जाएगा, ये देखिए कच्चा रोड दिख रहा है ना, यहाँ तक हम स्कूटी पर आए हैं, ठीक है। स्कूटी रख दी है हमने यहाँ सामने। तो ये सीढ़ियाँ जो हैं अभी अभी जस्ट शुरू हुई हैं, और देखते हैं आगे कहाँ तक होगी ये सीढ़ियाँ। तो करते हैं अपना ब्यूटीफुल सा व्लॉग शुरू। चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब, लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल व्लॉग। तो जी बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं, छतरी भी एक जगह है, मगर मैं खुद भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर भी एक जगह है कुछ। हाँ जी, आप एक बार जब ऊपर पहुंचोगे ना, हाँ, ऊपर जाके देखना आपको पूरा उधमपुर दिखेगा। सही में तो सही वैसे है हाइट में यार, इस टाइम थोड़ा बहुत दिखाई देने लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है गाइज आगे आगे ना पूरा, सही में यार मैं कभी आया नहीं हूँ गाइज, चढ़ाई बहुत ज्यादा है। देख रहे हो आप, उफ कहाँ तक है, और यहाँ पे कितना नीचे है देख रहे हो। और यहाँ से ना आपको सही में आधा उधमपुर तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये देखिए जी। तो चलते हैं आगे तक, देखते कितना ऊपर जाना है और कैसा माहौल है ऊपर। इसी बहाने आप भी देख लोगे उधमपुर की छतरी जो है, फेमस जगह का नाम जो है वो आज आपको देखने वाली है। आधे से ज़्यादा हमारा सफ़र जो है कंप्लीट हो गया है, और गाइस यहाँ का व्यू देखिए, ज़बरदस्त व्यू है भाई। यहाँ पे ना काम वगैरह जो है ये देखिए कितना अच्छे से लगाया है, पार्क जैसी बनाई है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चलो आगे चलते हैं। वाओ, जस्ट लुक एट दिस गाइस, ऑसम। ये देख रहे हो ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है ना आपको सामने, ये गाइस दमेल में ग्राउंड है ये, ओके। और ये एयरपोर्ट है उधमपुर का, ये देखिए। तो गाइज ये मेन चीज़, ये जो छतरी बोलते हैं ना, ये मेन चीज़ ये नहीं है अभी, छतरी जो है ना जिसको मेन जगह बोलते हैं, मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है वो आगे है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, ये देखिए ये छोटा सा टीन का शेड दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही कुछ है। तो चलते हैं देखते हैं आगे आगे कैसा है, मगर यहाँ आके ना थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ये देखिए गाइज कितनी शांति है यहाँ पे यार। और भाई बंदे को देखो, खुली हवाएं ले रहा है भाई। मैंने सुना है वहां से ना पूरे 360 डिग्री में उधमपुर दिखता है, इससे ज्यादा साफ वहां पे दिखाई देगा। तो जी पहुंच गया हम यहाँ पर छतरी पे, और मेन जगह जो है छतरी की यही है, और यहाँ का व्यू देखिए गाइस कितना प्यारा है। और आपको मैं सही बात बताऊं, थोड़ा टॉप पे है ना, तो यहाँ की हवाएं वगैरह जो है बड़ी जबरदस्त है। तो जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मकान वगैरह जो है, ये यार इनकी लाइफ तो इनकी है भाई, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ना आम के पेड़ हैं बहुत सारे, साथ में बैम्बू होते हैं ना जो, जिसको बांस बोलते हैं, बांस के पेड़ मेरे को दिखाई दे रहे हैं। साथ में यह कोशिश पर कायुड़ बनाए चुकायुड़ है, तो उनके पेड़ हैं। फिर साथ में नीचे मक्की वगैरह है ये वो, तो बड़ा जबरदस्त व्यू है यहाँ का। तो एक व्यू इस साइड का है, और अपोजिट साइड का व्यू है वो वहां पे आके आपको दिखा देंगे। चलिए ये तो गाइज लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस उधमपुर सिटी, जस्ट लुक एट दिस गाइज। तो गाइज जैसे कि आप देख ही रहे हो कितना प्यारा व्यू है यार, पूरी उधमपुर सिटी जो है ना आपको दिखाई देगी। उधमपुर सिटी जो है गाइज यहाँ से शुरू होती है, मैं आसिफ भाई को बोलूंगा थोड़ा सा यहाँ से दिखाइए, और यहाँ से शुरू होती है और वो लास्ट वहाँ पर है ना, वहाँ पर एंड होती है जो मेन सिटी है। तो इतनी सी एरिया में जो है उधमपुर सिटी जो है यही आती है। तो इसी के बीच में मेरे को एयरपोर्ट भी दिख रहा है, रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है, ग्रिड स्टेशन दिख रहा है, फिर मेन सिटी जो है सामने बस यही है। ओके, तो व्यू जो है बड़ा जबरदस्त है यहाँ पे आके ना, माहौल थोड़ा
खुल के, और एक हमारा मेहमान दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये हाथ में आना चाहिए मेरे। छतरी से हम थोड़ा सा आगे आगे हैं। छतरी आपको सबसे पहले मैं दिखा दूं, छतरी ये जगह है, ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे आगे हैं और इसके अपोजिट साइड में ना हमारा घर दिख गया यार, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो एरिया दिख रहा है ना, राइट साइड में आपको मैंने सिटी दिखा दी थी, जो वहाँ से सिटी दिखती है ना, वहाँ पे सिटी वगैरह दिख रही है। तो बस इसके यहाँ पर सामने ही अपना घर दिख रहा है, अपना मोहल्ला। ये देखिए, जो ये फ्लाईओवर है ना, बस इसी के नीचे हम रहते हैं, थोड़ा सा नीचे रहते हैं। तो ये जो मकान वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, बस ये मकान जो है अपने रिश्तेदार में ही आते हैं, ठीक है। तो ये अपना मोहल्ला ही है। तो ऐसा कुछ व्यू है, और यहाँ का व्यू देखिएगा। तो जी, काफी टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पर, तो इस टाइम हल्का हल्का अंधेरा भी होना शुरू हो गया है। तो मेरे को लगता है अभी चलते हैं घर। और यहाँ का व्यू गाइज, आपको सीरियसली बताऊँ, व्यू यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है। अभी ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत अच्छी ग्रीनरी है। तो चलते हैं अभी और चलते हैं घर जी। यहाँ पर भी एक छोटी बहुत छतरी है, तो मेन जो है, मेन तो ऊपर है। तो ये मैंने आते समय आपको दिखाई दी थी गाइज। हम लोग यहाँ गरीब बंदों में राशन बांटने आए थे, दे दिया हमने, उन्होंने थैंक यू किया हमारा, बहुत पीटा उन्होंने कसम से, बहुत पीटा। गाइज एक सिनेमैटिक शॉट देखो जरा यहाँ। गाइज ये आप देख सकते हो, जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो यहाँ पे बाथरूम नहीं था, मैंने कुछ पैसे लगा के यहाँ पे टॉयलेट तैयार करवाया है। आप लोग आइए और उद्घाटन कीजिए इसका। भैया दिखाओ टॉयलेट हमारा। लोगों ने तो इसका दरवाजा भी तोड़ दिया, माए नीचे का हिस्सा ही कोई ले गया दरवाजे का। क्या करते हैं लोग यार। तो जी हम पहुंच गए हैं नीचे, स्कूटी हमने ये रखी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर ना हमारे आसिफ भाई के कुछ रिलेटिव्स भी हैं यहाँ पर। तो ये बोल रहे हैं तनवीर भैया जो है इस स्कूल में बचपन में पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, गवर्नमेंट स्कूल उधमपुर, ठीक है, गंगेड़ा। इस जगह को ना गंगेड़ा बोलते हैं, ओके। तो बोल रहे हैं ये इस मकान में इससे पहले रह भी चुके हैं। तो चलो हम करते हैं अपनी स्कूटी स्टार्ट और निकलते हैं।